स्वंभरी। अनंत कोटि ब्रह्मांड निरचयिता त्रिदेव सर्व देवी देवता ऋषि मुनियो आखु जगत अहर्निश जेनु स्मरण करे छे, जे आदि अनंता छे, जे सर्वसत्ताधीश छे, आखाए विश्व ने पोतानी अंदर समावा वाली ऐका छे, अने पोतेज आखा विश्व रूपे विस्तारवा वाली नैका छे। विश्वंभरी तीर्थ यात्रा विश्वधाम जेने मात्र ने मात्र 90 दिवस मां निर्माण कर्यु। बाप मानु प्राकट्य थयु त्यारे केवू वातावरण हतु? तो दोस्तों, हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, माँ विश्वंभरी तीर्थ धाम पे। तो उसकी एंट्री वहाँ से होती है, वहाँ से एंट्री होगी। वहाँ पे कार की पार्किंग की स्लिप रहती है 20 रुपीज़, और यहाँ पे आप आगे जाओगे तो वहाँ पे 5 रुपीज़ बाइक की पार्किंग के लेते हैं। तो ये जो भी इनका पार्किंग का जो पैसा है, ये इनका जो गौशाला है उसमें जाता है, तो गौशाला के लिए जाता है पूरा पैसा इनका जो पार्किंग का है वो। तो यहाँ से उसकी एंट्री होगी, और यहाँ से आप जब चल के जाओगे तो यहाँ पे ये मंदिर का एंट्रेंस है यहाँ पे, और ये पूरा पार्किंग है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी कार की पार्किंग है ये, और वहाँ पे पूरी बाइक की पार्किंग है। अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो 22 से 30 तक के नवरात्रि चलेंगे, तो उसी में यहाँ पे हमेशा ये फेस्टिवल होता है। तो ये फेस्टिवल में ये लोग बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन, इन्जॉय, पूजा सब कुछ हो। तो कहीं दूर से आओ नाश्ता करना है तो यहाँ पर आके आप कर सकते हो। और ये मेन इसका एंट्रेंस है, माँ विश्वंभरी तीर्थ यात्रा धाम। तो मैं भी सिलवासा से आया हूँ, तो 60 किलोमीटर्स, तो 1.5 घंटे लगे मुझे आने में। और अगर आप 100-150 किलोमीटर के अगर रेडियस में हो तो आप ज़रूर आओ। 22 से 30 तारीख तक ये प्रोग्राम यहाँ पे चलता रहेगा, 22 से 30 तारीख तक का। और एंट्री में लगते हैं, देखते हैं इनकी एंट्री कहाँ से है, और इनसे पूछेंगे कि ये हमको अंदर रिकॉर्डिंग करने देंगे कि नहीं देंगे। अगर रिकॉर्डिंग करने नहीं देंगे तो हमें बाहर तक का ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और वहाँ पे पूजा पाठ चल रही है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एंट्रेंस कुछ इस तरह का है। यहाँ पे एक हाथी है वाइट कलर का मार्बल का, यहाँ पे एक हाथी है वाइट कलर का मार्बल का। तो एंट्रेंस कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे लिखा है प्रतिदिन सवेरे 6:30 से 12:30 तक रात शुभ यज्ञ। यहाँ पे महाआरती होगी, जो प्रतिदिन रात को 9 बजे होगी। और ये संयुक्त रास गरबा माँ आरती के बाद, मतलब यहाँ पे जो 9 बजे आरती होती है, आरती के बाद जो गरबा होगा वो होगा। और यहाँ पे इन्होंने डेट लिखी हुई है 22 तारीख से लेके 30 तारीख तक। तो अगर आप 150-200 किलोमीटर के रेडियस में हो तो आप ज़रूर आओ। और ये इनका टीवी चैनल का स्कैनर है यहाँ पे, तो टीवी चैनल और लाइव प्रसारण के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें। ऐसी बनाई है यहाँ पे छतरी सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत है, तो ये छतरी ऐसी बनाई है तो आप बैठ सकते हो। इसके ऊपर यहाँ पे मोड़ दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ना तो इन्होंने जो टाइल्स की कॉम्बिनेशन यूज़ की हुई है हर जगह पे, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे आप ये देखो, जो इन्होंने टाइल्स यूज़ की है, यहाँ की कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छी है। ये पानी की तरह लग रहा है यहाँ पे, ये पत्थर है वो घास की तरह लग रहा है। ये माँ विश्वंभरी शरण, ये जो गुरुजी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये श्री महापात्रा, तो इनको ये माताजी ने दर्शन दिया था और इनको कहा था कि आप यहाँ पे मंदिर की स्थापना करो, तो इन्होंने यहाँ पे मंदिर की स्थापना की है।
और मैं अभी आपको एक लोकेशन बताता हूँ। तो उस लोकेशन पे रात को 9 बजे महाआरती होगी, उसके बाद यहाँ पे ग्राउंड पे गरबा होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वो स्टेज है जहाँ पे सब आरती ये सब होगी। यहीं पे शाम को 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो 9 बजे यहाँ पे आरती स्टार्ट होगी। 9 बजे आरती स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे सामने जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, ये ग्राउंड पे ये गरबा करेंगे यहाँ पे, तो यहीं पे गरबा होगा। सब रुकना 9 बजे यहाँ पे लाइव, उन्होंने बोला लाइव रिकॉर्डिंग के लिए आप यहाँ पे रुकना, लाइव जाना यूट्यूब पे अपने और रिकॉर्ड करना। तो मुझे 9 बजे तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा। और आप ये रहा सामने वो जो मंदिर की मैं बात कर रहा था, ये महाविश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम, ये बहुत ही बड़ा तीर्थ यात्रा धाम है वलसाड़ में माता जी का। यहाँ पे एंट्रेंस में 2 शेर, 1 शेर इधर है, 1 शेर उधर है। वहाँ पे महादेव जी है और वो नंदी महाराज। और जब आप अंदर एंटर करोगे तो वहाँ से आप एंटर करोगे, यहाँ पे आपको स्लीपर खोलनी है। यहाँ से जब एंटर करके और यहाँ से उस तरफ लाइन लगी, यज्ञ चल रहा है यहाँ पे और ये लाइन है, तो ये लाइन से आप अंदर जा सकते हो। यहाँ से आप दर्शन करोगे तो माता जी का अंदर है, दर्शन करने के बाद ऊपर भी है। ऊपर जाने के बाद वो वापस वहाँ से एग्जिट होके वापस बाहर आओगे। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा ये एनिमल का जो स्टैचू बनाया हुआ है, ये जिराफ है यहाँ पे, वहाँ पे वो शेर था। ये यहाँ पे पीकॉक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पीकॉक है यहाँ पे। यहाँ पे फिर से छोटा जिराफ, यहाँ फिर से पीकॉक है। अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो गोकुल धाम गोवर्धन पर्वत, जो कृष्ण भगवान ने अपने जो लास्ट वाली उंगली होती है उस पर उठाया था, तो मैं भी आपको तो आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो मंदिर है, तो मंदिर से थोड़ा सा राइट में आओगे तो राइट में आपको ये पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो हमारे अभी दर्शन हो गए हैं, मंदिर में भी दर्शन हो गए, वहाँ पे जो पूजा चल रही थी उनके भी दर्शन हो गए, और महापात्रा जी भी हमें मिले थे तो उनसे भी दर्शन हो गए। उन्होंने हमें बुला लिया था दूर से देख के, और अभी हम यहाँ पे ये नज़ारा देख के अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक पीछे मैंने आपको बता दिया था पहाड़ है, उस पर वो बंदर रखा हुआ है, और ये एक छोटी सी इन्होंने कुटिया बनाई हुई है। तो इस कुटिया में आप देखोगे इनके जो ड्रेसेस है, कितने सुंदर ड्रेसेस है, ये ट्रेडिशनल ड्रेस है इनका, ये आदमियों का ट्रेडिशनल ड्रेस है और लेडीज़ लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये छोटा सा बच्चा माखन खा रहा है और यहाँ पे ये माताजी माखन निकाल रही है। ये बहुत ही सुंदर बनाया इन्होंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ की जो लस्सी है वो एकदम प्योर है। इनकी जो गौशाला है वहीं पर ये लस्सी वहाँ से ही आती है, तो आप देख सकते हो तो यहाँ पे लस्सी मिलती है यहाँ पे।
यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, लस्सी का 50 रुपीज़ है और छाछ का 10 रुपीज़ है। तो अभी गर्मी का सीज़न तो सारे लोग इधर लस्सी के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये ख़ास बात है कि मैं आपको बताता हूँ, अभी इन्होंने जो ग्लास बनाया, इस ग्लास में भी वो माता जी का सिंबल और वो माता जी का नाम लिखा हुआ है इस पर। कभी भी आप पीने आओगे, कभी भी आप पीने आना यहाँ पे, तब वो ग्लास को धो के फिर घर ले जाना। यहाँ पे सब यही बोलते कि फेंको मत, घर ले जाओ, ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो यहाँ पे आप आओगे तो लस्सी पी लेना यहाँ पे। और ये पीने के लिए यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ पे पी लेना आप ड्रिंकिंग। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक दो हाथी है, एक माँ है और एक उसकी उसका छोटा बच्चा। तो मैं आपको दिखाता, एकदम रियलिस्टिक लगता है वो। तो ये है वो, आप इन हाथी को देखोगे, ये इतने हाइट में इतना बड़ा बना है। और ये जो छोटा उसका बच्चा, छोटा उसका बच्चा है। तो ऐसे ही इन्होंने हर जगह पे एनिमल्स के पुतले बना के रखे हुए हैं, और वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर पुतले हैं। और आपको वॉशरूम जाना हो तो यहाँ पे उसी के पास में लेडीज़ का वॉशरूम है, और वहाँ पे आगे जेंट्स का है। और यहाँ पे आप ये शॉप देखोगे तो यहाँ पे माँ आयुर्वेदिक औषधालय, तो यहाँ पे औषधि मिलेगी आपको आयुर्वेदिक। तो जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो, यहाँ पे आके इनसे डिस्कस करें तो ये आपको वो औषधि दे सकते हैं। जैसे आप वहाँ से आपकी एंट्री हुई थी, वहाँ से आप वहाँ पे मंदिर पे दर्शन किया, फिर वहाँ से वापस रिटर्न यहाँ से गए, वहाँ पे मंदिर के दर्शन किए, वापस यहाँ पे आए। और यहाँ से अब हम आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे गौशाला है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे ये जो लस्सी मिल रही थी वो लस्सी उसी गौशाला से बन के आती है। तो यहाँ पे एकदम मतलब शुद्ध दूध का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। गिर गया, थोड़ी हाइट में भी बड़ी होती है और थोड़े से उनके सींग भी बड़े होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सारी गिर गाय मिलेगी आपको। तो ये देखो, ये सारी गिर गाय बैठी है यहाँ पे, सब लाइन में बैठी है गिर गाय यहाँ पे। पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे की तरफ भी पार्किंग है, वहाँ से जब स्ट्रेट आओगे तो यहाँ पे भी पीछे पार्किंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। और इसे आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में है। और अभी ये 22 से लेकर 30 तारीख तक ये महाप्रसाद चल रहा है, जो दोपहर को 11:30 से 1 बजे है और शाम को 6 से 8:30 बजे तक। तो ये है वो पंचवटी जो मैं बताता हूँ, वहाँ पे राम भगवान बैठे हैं, साथ में हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। तो ये पंचवटी का थोड़ा सा इन्होंने स्टैचूज बनाए हैं यहाँ पे, ताकि लोगों को पता चले। आप यहाँ इसमें रोटी पूड़ी दाल, मीठे में इन्होंने बूंदी दी है, और ये कुछ पापड़ है, और ये सब्जी है। ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया कि दोबारा नहीं ले सकते, आप दोबारा भी जा सकते हो और अनलिमिटेड जितनी बार खाना चाहो उतनी बार खा सकते हो। तो हम भी खाते हैं, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ऐसा ही जो छत पे जो हम पत्रा लगाते वो लगा हुआ है, और उसको कुछ एंगल पे रखा हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्लेट रखोगे या ग्लास रखोगे तो वो सीधा बाहर की तरफ चल जाएगा, वहाँ पे वो धो रहे पीछे की तरफ। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम इन्होंने यूज़ किया। अभी इन्होंने मुझे एंट्री के लिए एक कार्ड दिया हुआ है, तो ये कार्ड से मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। इन्होंने मुझे बोला है आप कहीं पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये देख सकते हो कि इन्होंने मुझे यहाँ से एंट्री दे दी है जाने के लिए। गिरिराज राजतम
तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। तो ये पूजा अर्चना में एक्चुअली किसी को बाहर वाले को अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ के जो मेन महापात्रा जी है उन्होंने देखा और मुझे बुला लिया यहाँ पे, और उन्होंने मुझे ये एंट्री पास भी दिया है कि आप अंदर आके वीडियो बना सकते हो। तो उनकी यहाँ पे पूरी जो उनकी लाइफ कैसी है वो पूरी लाइफ के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूरा बोर्ड पे लगाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इनकी लाइफ के बारे में पूरा इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इनके लाइफ के बारे में है पूरा यहाँ पे, इनकी लाइफ इन्होंने कैसे गुजारी है और कैसे ये मंदिर की स्थापना की इन्होंने, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है पूरे बोर्ड पे। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा उनका जो भी लाइफ है पूरा इस बोर्ड पे है, तो आप आके देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे इनकी गौशाला भी है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो गौशाला। ये हमेशा इंटरेक्ट करते हैं, मतलब ये जो ऐसा नहीं है इनको कि मतलब कोई बड़ा पर्सन है उनसे मिले, ये छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक सबसे मिलजुल के रहते हैं, सबसे मिलते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, उनको कुछ तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ें दूर भी करते हैं। जैसे आज मैं आया था सुबह तो उन्होंने मेरे को आगे से बुलाया और बोला कि आप पूरा वीडियो बनाना, आपको कोई टेंशन नहीं, कहीं पे भी आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से उन्होंने मुझे ये एंट्री दी है। यहाँ पे देख सकते हो कि कितने भीड़ रखी है यहाँ पे, कि लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे लोग, यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से। आप देखोगे तो लोग महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ तक कि यूएसए से भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो तभी यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा एक फ्रेंड मिला है, हार्दिक, जो मेरा समझो एक फ्रेंड ही बन गया यहाँ पे आकर। तो हम लोग यहाँ पे भी घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो ये 9 दिन यहीं पे रहेगा, और ये कौन सी जगह, मांगरोल, हाँ ये मांगरोल से आया हुआ है। तो ये 9 दिन यहीं पे रहेगा, यहाँ पे माता जी की सेवा करेगा और साथ साथ में ये आज का दिन मेरे साथ ही बिताएगा। तो हम दोनों यहीं पे साथ में, अभी हम लोग लाइव वीडियो भी जाएंगे तो लाइव वीडियो में भी आपको बताते हैं। तो सर है यहाँ पे, तो ये सुबह से सेवा में लगे हुए हैं, ये सुबह से सेवा में लगे हुए हैं, ऐसी धूप में खड़े हैं, सुबह से मैं देख रहा हूँ इनको धूप में, कड़ी धूप में खड़े होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने मेरी भी बहुत हेल्प की, मुझे बोला आप यहाँ वीडियो बनाओ, वहाँ वीडियो बनाओ, अभी भी मुझे बोल रहे थे कि आप अच्छे से वीडियो बना लेना, वहाँ रहे कि नहीं। तो सर आपका नाम क्या है? नरेश भाई है ये। तो नरेश भाई भी हमारे वीडियो में आ गए, तो हम आपको वीडियो में जब डालेंगे तो नरेश भाई भी आएंगे, ये एक और साथी आ गए, इनको भी हम डालेंगे। आपका नाम? वजू भाई है। और आपका नाम? चिमन भाई। तो ये तीनों जो हमारे भाई है, इन्होंने मेरे को सुबह से ही हेल्प किया है यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। भाई साहब थे, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, इन्होंने मुझे बताया कि आप पूरा मंदिर में यहाँ जाओ, आप पूरा चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ वीडियो बनाना है उधर वीडियो बना लो। और इन्होंने बहुत ही अच्छा मुझे ट्रीट किया यहाँ पे, मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनके बीच का ही सदस्य हूँ कोई। तो इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो आप भी ज़रूर आइए, आपको भी यहाँ पे ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलेगी, तो आप ज़रूर आओ यहाँ पे दर्शन करो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 30 तारीख के पहले पहले ही आओ, क्योंकि 30 तारीख के पहले यहाँ का जो माहौल है वो आपको सिर्फ नवरात्रि में ही देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पर।